हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप अपने एक वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो और अपने डेटा को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको GA4 क्या होता है, गूगल एनालिटिक्स 4, जो कि आने वाले टाइम में GA4 ही यूज होगा। यूनिवर्सल एनालिटिक्स अपने अब रिमूव होते जा रहा है, क्योंकि 2023 में कंप्लीट यूनिवर्सल एनालिटिक्स रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको दोनों बताऊंगा कि आप अपने वेबसाइट पे कैसे आप GA4 और UA3, मतलब गूगल एनालिटिक्स 4 और यूनिवर्सल एनालिटिक्स, या जिसे लोग GA3 भी हम नाम से बोलते हैं, उसे कैसे इंस्टॉल करोगे। और मैं आपको ये बताऊंगा उस टैग को, जो भी कोड मिलेगा आपको एनालिटिक्स का, उसे अपने डायरेक्टली वेबसाइट पे ना लगा के टैग मैनेजर की मदद से कैसे लगाओगे। ठीक है, टैग मैनेजर को अपनी वेबसाइट से कैसे कनेक्ट करते हैं, इसके लिए चैनल पर डिटेल ट्यूटोरियल अवेलेबल है, आप पहले वो वीडियो देख सकते हो, उसके बाद ये, क्योंकि टैग मैनेजर के बहुत सारे फायदे हैं। टैग मैनेजर से कनेक्ट करने के बाद आप कि जितने भी टैग फायर होंगे वो आपके टैग मैनेजर के थ्रू होंगे, ना कि यहाँ पे होंगे। और अगर आपको वैसे भी एडवांस लेवल की ट्रैकिंग करनी है, उसके लिए टैग मैनेजर होना ही चाहिए। तो प्रेफर करूंगा आप वो वीडियो देख लो, देन आप एनालिटिक्स की वीडियो देख लो, बेस्ट रहेगा आपके लिए, जिससे कि आपके कंसेप्ट और प्लस आपको जो मुश्किल लगता है कि टैग मैनेजर का, बहुत लोगों ने बोल के रखा टैग मैनेजर डिफिकल्ट है, बट बहुत आसान है, आप उस वीडियो में जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे गूगल एनालिटिक्स पे अकाउंट सेटअप। ठीक है, एनालिटिक्स को कैसे करना है, मेरे सामने एनालिटिक्स खुला हुआ है, बट मैं आपको बता देता हूँ एक बिगिनर कैसे एनालिटिक्स को खोलेगा। वो सिंपल आपको लिख देना गूगल एनालिटिक्स, ये देखिए गूगल एनालिटिक्स, आप जैसे ही लिखोगे आपको वेबसाइट मिल जाएगी गूगल एनालिटिक्स की। आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना है, इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक कर दोगे आपको जाना है स्टार्ट मेजरिंग, आपका पहले से नहीं होगा, पहले कभी नहीं खोला होगा, तो आपको जाना है स्टार्ट मेजरिंग पे, क्योंकि मेरा एक फ्रेश अकाउंट है। आपको देना अकाउंट का नाम, अकाउंट का नाम मैं जैसे देता हूं, जो भी मेरा अकाउंट का नाम है, कुछ भी नाम दे सकते हो आप यहाँ पे। प्रेफर रहेगा अगर आप एक अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में नाम भी लिखोगे। मैं जो भी कंपनी या जो भी आप एजेंसी, कंपनी, इंस्टीट्यूट या फॉर्म का नाम होगा मैं वो लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब मैं कर दूंगा शेयर डाटा विद गूगल, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं कर दूंगा सीधा, मतलब मैं कुछ नहीं किया, अकाउंट का नाम दे दिया और उसके बाद सबको टिक मार्क कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद अभी मैंने किया अकाउंट सेटअप, अकाउंट के बाद आती है प्रॉपर्टी सेटअप। अकाउंट और प्रॉपर्टी, या अकाउंट और गूगल टैग मैनेजर में होता है अकाउंट और आपका होता है कंटेनर, यहाँ पे होता है अकाउंट और प्रॉपर्टी। क्या होता है, एग्जाम्पल देके मैं आपको बता देता हूँ। मान लो एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट मान लो एबीसी इंस्टीट्यूट, एक एग्जांपल से बता देते हैं, एबीसी इंस्टीट्यूट आपका है, एबीसी इंस्टीट्यूट है, उसकी मान लो 10 ब्रांचेस है, कहां कहां, दिल्ली एक लगा लो, नोएडा एक लगा लो, गाजियाबाद एक लगा लो, मुंबई, 5 लेके चलते हैं, एक और ले लेते हैं, एक लगा लो चंडीगढ़। ये हमारी 5 ब्रांचेस है, तो क्या होगा, बिजनेस क्या है, क्या है एबीसी इंस्टीट्यूट, जो कि बिजनेस का नाम, और 5 अलग अलग वेबसाइट्स है, एक दिल्ली पे है, एक नोएडा पे है, एबीसी इंस्टीट्यूट दिल्ली .com, एक ये है एबीसी इंस्टीट्यूट नोएडा .com, दूसरा डोमेन है, अलग अलग प्रॉपर्टीज है, मतलब कि कंटेनर एक है, अकाउंट एक है, लेकिन अकाउंट के अंदर 5 अलग अलग प्रॉपर्टीज है। एक और एग्जांपल से बताता हूँ, मान लो एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जिसके पास 10 अलग अलग क्लाइंट्स है, तो क्या होगा, जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है उसके नाम पे होगा अकाउंट सेटअप, और प्रॉपर्टी सेटअप होगी जो अलग अलग क्लाइंट्स होंगे उनके। मे बी अब आपको ये क्लियर हो चुका हो। ठीक है, इसके बाद प्रॉपर्टी का नाम मैं वही दे देता हूँ, क्योंकि एक ही है हमारे पास, तो मैं यही प्रॉपर्टी का नाम दे देता हूँ जो अकाउंट का नाम है। आप साथ के साथ इन स्टेप्स को कर भी लीजिएगा जैसे आपकी ये वीडियो फिनिश हो जाएगी, ताकि एकदम ही प्रैक्टिकल हो जाए और एकदम आप सारे स्टेप्स को कर सको, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे मैंने दे दिया प्रॉपर्टी का नाम। प्रॉपर्टी का नाम देने के बाद आपको यहाँ कंट्री सेलेक्ट करनी है। कंट्री सेलेक्ट जैसे मैं करता हूँ, इन सब, ये जो गूगल आपसे डेटा मांग रहा है, इससे भी गूगल आपकी वेबसाइट को समझने की कोशिश करता है। ठीक है, गूगल के पास बहुत सारा डेटा जाता है, आप जो है इंफॉर्मेशन फिल करते हो, इसलिए सही से इंफॉर्मेशन फिल कीजिए। करेंसी, यहाँ पे आपकी करेंसी जो भी होगी, INR है, मतलब ये सारा गूगल अपने पास डाटा रख रहा है। उसके बाद जब आप ये कर दोगे, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, मे बी आप 2022 में देख रहे हो, 2023
2023 से पहले यूनिवर्सल एनालिटिक्स जब तक है, आपको क्या करना है, शो एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद इस चेक मार्क को ऑन रखना ही रखना है। आपको सिर्फ अपनी वेबसाइट पे GA4 नहीं डालना है, आपको यूनिवर्सल एनालिटिक्स भी डालना है। तो इसके लिए शो एडवांस ऑप्शन पे जाके इसको टिक मार्क लगाना है, चेकबॉक्स करना है, और उसके बाद अपने डोमेन का एड्रेस डालना है। मैं अपने डोमेन को डाल देता हूँ यहाँ पे। डोमेन को एंटर करने के बाद HTTPS नहीं आना चाहिए क्योंकि पहले से HTTPS दे रहा है, ये आ जाएगा। उसके बाद क्रिएट बोथ पे क्लिक करना है, गूगल एनालिटिक्स 4 और यूनिवर्सल एनालिटिक्स इस पर होना ही चाहिए। दोनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में चैनल पे मैं एक वीडियो डाल दूंगा, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, बट अभी के लिए आप ये देख लीजिए क्रिएट बोथ अ गूगल एनालिटिक्स 4 एंड यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी, इसको चेकमार्क होना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपने बिजनेस की डिटेल्स डालनी है। जैसे यहाँ इंडस्ट्री क्या, इंडस्ट्री मेरी है एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन लगा लो कंप्यूटर के रिलेटेड। अगर आपके पास यहाँ पे मिल रही है आपको एजुकेशन के रिलेटेड तो आप यहाँ डाल सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो एजुकेशन के रिलेटेड मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहे क्योंकि ये बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट के लिए मुझे यहाँ पे कोई भी प्रेफरेबल जॉब्स एंड एजुकेशन प्रेफरेबली जा सकता है। आप यहाँ अपने हिसाब से, अगर कोई ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स में यहाँ पे आता है शॉपिंग, आप वो डाल सकते हो। मेरे यहाँ पे जॉब्स एंड एजुकेशन यही फिट बेटर है तो मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। बेसिकली गूगल आपसे डेटा मांग रहा है, ठीक है। बिजनेस का साइज क्या, मैं उस हिसाब से यहाँ डाल देता हूँ, मीडियम है। जैसे यहाँ पे ये क्या, हाउ डू यू इंटेंड टू यूज गूगल एनालिटिक्स विद योर बिजनेस, हमें इन सब चेक मार्क्स को यूज करना है क्योंकि गूगल एनालिटिक्स ऑप्टिमाइज करे, मेजर करे डाटा को, सब कुछ करे, पोस्ट एनालाइज करे, कन्वर्जन को इंक्रीज करे, सबको चेक मार्क होना ही चाहिए। अदर्स को मत करना, नहीं तो और भी डिटेल मांगेगा, इसलिए अदर को छोड़ के आप सबको चेकबॉक्स कर सकते हो, ठीक है। क्रिएट पे आप जैसे क्लिक कर दोगे आपको यहाँ गूगल की टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। एक टर्म्स एंड कंडीशन, दूसरी टर्म्स एंड कंडीशन से राइट साइड बार में आप क्लिक करोगे आपको यहाँ चेकबॉक्स करना है, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा अगर आपको पढ़ना हो तो, ठीक है। टू यूज गूगल एनालिटिक्स यू फर्स्ट एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ योर कंट्री या रीजन, यहाँ पे जाके आपको इंडिया को सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। ये देखिए इंडिया को आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे इंडिया के अकॉर्डिंग टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएगी, उन दोनों को एग्री करना है। किसको एग्री करना है, राइट साइड में जो एकदम राइट साइड में आपको स्क्रॉल बार दिखेगा उसको स्क्रॉल करके दूसरी टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना। इसके बाद आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। आई एक्सेप्ट पे क्लिक करने के साथ ही साथ आपके सामने अब ऑप्शंस आ जाएंगे कि कैसे आप अपनी वेबसाइट पे कोड लगाओगे, ठीक है। ये देख सकते हो यहाँ पे स्टेप्स बता रहे हैं आप किन किन तरीकों के माध्यम से ये चीज कर सकते हो। कन्फिगर टैग, आप इस पे कभी क्लिक करोगे तो आपको ये अलग अलग स्टेप्स दिखा देगा। नहीं, कन्फिगर टैग पे नहीं, आपको यहाँ जाना है व्यू टैग इंस्ट्रक्शंस, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, मे बी थोड़ा टाइम ले रहा है ये, मैं आपको सीधा डायरेक्टली बता देता हूँ वैसे तो कस्टम कैसे, इसे एक बार कट कर लेता हूँ, मे बी नेट में इशू होगा। परफॉर्मेंस आपको इसके लिए सबको चेकबॉक्स ही करना है क्योंकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। बाय चांस अगर आपसे कभी कट भी हो जाता है मैं आपको बता देता हूँ क्या है। ये देखिए बाय चांस आपसे वो पैनल कट हो जाए आपको क्या करना है, इस सेक्शन पे आप होंगे, यहाँ पे आपको डेटा स्ट्रीम्स पे क्लिक करना है, ठीक है। डेटा स्ट्रीम्स पे क्लिक करने के बाद आपने इस वेबसाइट डोमेन को डाला था तो आपके सामने खुल गया। व्यू टैग इंस्ट्रक्शंस पे आप क्लिक करोगे आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आ गई होगी ऐसा है, ठीक है। आप अपने बिल्डर को है मैन्युअली डालना चाहते हो, ये देखो कोड, आप चाहे इस कोड को जाके HFCM में डाल सकते हो, जैसे कि हमने गूगल सर्च कंसोल और गूगल टैग मैनेजर के कोड को डाला हुआ था, या आप कर सकते हो गूगल टैग मैनेजर की मदद से, जो कि ये बता भी रहा है रिकमेंडेड होता है गूगल टैग मैनेजर, ठीक है। तो मैं आपको वही बताता हूँ। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, अब तक मैंने आपको सिंपल अकाउंट क्रिएट करना बताया, अब मैं आपको बताऊंगा गूगल एनालिटिक्स को कैसे डालते हैं वेबसाइट पे, आपको विद द हेल्प ऑफ टैग मैनेजर। आपको टैग मैनेजर की वेबसाइट खोलनी है, tagmanager.google.com ऐसा एंटर कर सकते हो, नहीं तो गूगल टैग मैनेजर, आप जैसे ही एंटर करोगे आपके सामने गूगल की वेबसाइट खुल जाएगी, गूगल टैग मैनेजर, tagmanager.google.com। आपको इस पर आपका जो भी आपने अकाउंट सेटअप किया होगा, अकाउंट के अंदर जो भी कंटेनर सेटअप किया होगा वो दिख रहा होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ अगर किसी को समझ नहीं आ रहा होगा कि गूगल टैग मैनेजर से अपनी वेबसाइट को लिंक कैसे करते हैं, प्रेफर रहेगा मैं आई बटन में लिंक भी दे दूंगा, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो क्योंकि वो मस्ट है, ठीक है। आपको अगर एडवांस ट्रैकिंग करनी है गूगल टैग मैनेजर होना ही चाहिए इसके लिए। अब मैं जाऊंगा जो मैंने कंटेनर सेटअप किया उस पर क्लिक कर देता हूँ। कंटेनर सेटअप पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे जाना है टैग्स पे क्लिक करना है। ये देखिए टैग्स पे मुझे क्लिक करना है, मेरे सामने ओवरव्यू आ जाएगा, मुझे यहाँ करना है टैग्स पे क्लिक।
टैक्स पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे सबसे पहले अपने दो कोड फायर करने, क्योंकि यूनिवर्सल एनालिटिक्स का कोड भी फायर करना है, मुझे GA4 का भी कोड फायर करना है। तो मुझे सबसे पहले करना पड़ेगा न्यू टैग। न्यू टैग को मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, मुझे यहाँ पे करना है GA4 का टैग है, डेटा स्ट्रीम्स में जाके जो भी मिलता है, जो यहाँ पे आपको एक कोड दिख रहा है, ये GA4 की ट्रैकिंग होती है, जो मेजरमेंट आईडी ये GA4 का, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद GA4 लिखोगे आप, यहाँ पे आपको टैग कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। टैग कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है GA4 कॉन्फ़िगरेशन। GA4 कॉन्फ़िगरेशन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपको मेजरमेंट आईडी डालने का आ रहा है। मेजरमेंट डाल आईडी यहाँ पे आपको कॉपी करनी है, यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, ठीक है। मेजरमेंट आईडी आपको कॉपी एंड पेस्ट करनी है। ट्रिगर कहाँ होना चाहिए? ऑल पेजेस पे ट्रिगर होना चाहिए। मैंने क्या किया फिर से मैं बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। GA4 लिख देना है यहाँ पे, क्योंकि ताकि एक ऑर्गेनाइज हो। यहाँ पे एडिट पे जाने के बाद जो भी आपका होगा, जैसे मैंने गूगल एनालिटिक्स 4 का कोड है वो है मेजरमेंट आईडी, कहाँ से मिलेगी? ये आपकी मेजरमेंट आईडी है। इस मेजरमेंट आईडी को यहाँ कर दिया पेस्ट, और ट्रिगर करना है ऑल पेजेस, क्योंकि गूगल एनालिटिक्स पे आप हर एक पेज को ट्रैक करवाना चाहते हो, इसलिए करना है ट्रिगर ऑल पेजेस पे। जैसे ही आप ये कर देते हो, आपको यहाँ पे करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे आपको सामने कंटिन्यू का बटन दिख रहा होगा। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद हमें इसे कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि कैसे आप इसे प्रोसीड कर पाओगे, ठीक है। तो जैसे ही मैंने सेव कर दिया, अब एक कोड तो मैंने लगा दिया GA4 का, अब मुझे लगाना है यूनिवर्सल एनालिटिक्स का कोड, ठीक है। यूनिवर्सल एनालिटिक्स का कोड लगाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, इसको कर देना क्रॉस। अब आपको यहाँ से ऊपर देखिए, ऊपर जाना है, उसके बाद यहाँ नीचे ड्रॉप डाउन में यूनिवर्सल एनालिटिक्स की आईडी दिख रही होगी, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद ऑल वेबसाइट डाटा, इस पे क्लिक करना है आपको, जो कि यूनिवर्सल एनालिटिक्स का होगा। अब आपको यूनिवर्सल एनालिटिक्स के कोड को अपनी वेबसाइट पे लगाना है, ट्रिगर लगाना है, ठीक है, अपने वेबसाइट पे फायर करवाना है, ठीक है। ये है यूनिवर्सल एनालिटिक्स का डैशबोर्ड, जो कि मोस्ट लोग फैमिलियर भी होंगे इससे, ठीक है। इसके जाने के बाद आपको एडमिन सेक्शन पे लेफ्ट साइड बार में क्लिक करना है। लेफ्ट बॉटम में आपको एडमिन सेक्शन होगा। एडमिन सेक्शन के अंदर आपको ट्रैकिंग इन्फो पे जाना है। ट्रैकिंग इन्फो पे जाने के बाद आपको जाना है ट्रैकिंग कोड पे। ट्रैकिंग कोड पे जाने के बाद आपको एक यहाँ पे यूनिवर्सल एनालिटिक्स की एक ट्रैकिंग आईडी मिलेगी, ये देखिए, इसको आपको करना है कॉपी। कॉपी करना है और आपको जाना है फिर से गूगल टैग मैनेजर के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आपको एक नया टैग फायर करना है। नए टैग को फायर करने के लिए न्यू टैग पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, वही हमें सिंपल स्टेप करना है। अब आपको यहाँ लिखना है यूनिवर्सल एनालिटिक्स, या आप लिख सकते हो इसे GA3, मैं इसे यूनिवर्सल एनालिटिक्स बोलूंगा। टैग कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको करना है यूनिवर्सल एनालिटिक्स, ये देखिए यूनिवर्सल एनालिटिक्स पे क्लिक करना है, क्योंकि GA4 हम कनेक्ट कर चुके हैं। कनेक्ट नहीं हुआ मतलब फायर हो चुका है, मैं उसे लाइव करने से पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यूनिवर्सल एनालिटिक्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यूनिवर्सल एनालिटिक्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ जाना पेज व्यू, पेज व्यू ही रहने देना है इसे, और यहाँ जाना है गूगल एनालिटिक्स सेटिंग। इसे यहाँ पे एक नया वेरिएबल सेट करना है। नया वेरिएबल सेट करने के बाद आपको यहाँ ट्रैकिंग आईडी जो कॉपी की थी उसे करोगे पेस्ट, ठीक है। ट्रैकिंग आईडी जैसे ही पेस्ट करोगे, यहाँ पे लिख भी दो आप इसे, यूनिवर्सल एनालिटिक्स का ये एक वेरिएबल है, ठीक है, यूनिवर्सल एनालिटिक्स का वेरिएबल है। इसके बाद आप इसे करोगे कंटिन्यू। आप जैसे ही उसे सेव कर देंगे, अब आपको जाना है ट्रिगर। ट्रिगर आपको करना है ऑल पेजेस, वही जो हमने पहले किया था। ट्रिगर ऑल पेजेस करने के बाद आपको इसे भी कर देना है सेव। सेव आपने कर दिया, अब आपके दोनों टैग्स हो चुके हैं। अब मैं इसे करूंगा वेबसाइट पर लाइव। वेबसाइट पर लाइव करने के लिए मैं इसे करूंगा सबमिट। मैं चाहे तो इसे प्रीव्यू विंडो में देख सकता हूँ, बट मुझे पता है मैंने अपने कोर्स को सही तरह से फायर किया हुआ है, इसलिए मुझे प्रीव्यू विंडो में देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसे डिबग कैसे कर सकते हो, ठीक है। सबमिट मैं इसे जैसे ही करूंगा, सबमिट करने के लिए मैं यहाँ पे करूंगा वर्जन का डिस्क्रिप्शन। वर्जन क्या होता है इसके बारे में मैं चैनल पर डिटेल ट्यूटोरियल लेके आऊंगा। मैं यहाँ पे अभी के लिए डाल देता हूँ गूगल एनालिटिक्स को हमने इंस्टॉल किया, इंस्टॉल्ड Google Analytics को इंस्टॉल करने के बाद इसको मैं फिर से करूंगा लाइव है ये। अब मैं इसको करूंगा सेव फिर से। जैसे ही मैं सेव करूंगा, मेरे सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाए कि मेरा वेबसाइट पे कोड लाइव हो चुका है, ठीक है। ये देखिए, अब मैं इसे करने जा रहा हूँ सेव।
सेव जैसे ही मैं करूंगा, मेरे सामने एक और कोड हमारी वेबसाइट पर लाइव हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा इसे डिबग कैसे करोगे, इसे टेस्ट कैसे करोगे कि आपकी वेबसाइट पर कोड सही तरह से फायर हो चुका है नहीं, या सही तरह से डेटा दे रहा है या नहीं। इसके दो तरीके हैं, चाहे आप यहाँ पे जाके वर्क स्पेस में आप जैसे ही जाओगे प्रिव्यू करके आप देख सकते हो। ये देखिए प्रीव्यू करके आप इसे देख सकते हो। वर्क स्पेस में आप जैसे ही जाओगे बैक आओगे आप टैग मैनेजर पे, यहाँ पे आपको प्रीव्यू का विंडो आता है। ये देखिए मैं अपने कंटेनर पे जाता हूँ, कंटेनर पे जाने के बाद आपको प्रीव्यू विंडो मिल रहा है। प्रीव्यू के बाद आप प्रीव्यू टैब में देख सकते हो, नहीं तो एनालिटिक्स अब आपकी वेबसाइट से कनेक्टेड है, आप यहाँ पे एनालिटिक्स में अपने वेबसाइट को ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि आपके पास क्या क्या तरीके अपनी वेबसाइट को डिबग करने के लिए। ठीक है, GTM से आप प्रीव्यू विंडो को ऑन कर सकते हो। ये देखिए GTM से प्रीव्यू विंडो को ऑन कर सकते हो। दूसरा तरीका आपके पास है टैग असिस्टेंट लेगेसी, जो भी एक्सटेंशन है आप उसे इंस्टॉल करोगे आपको उससे भी पता चल जाएगा। थर्ड क्या है, गूगल एनालिटिक्स पे अगर आपका डेटा ट्रैक हो रहा है, विजिटर्स ट्रैक हो रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपकी वेबसाइट कनेक्टेड है या नहीं। ठीक है, अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे आप इसे प्रीव्यू करोगे, कैसे आप इसे टेस्ट करोगे। तो चलिए अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे आप इसे डिबग कर पाओगे कि आपके वेबसाइट पर कोड सही से फायर हुआ है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ टैग असिस्टेंट लेगेसी, जो मेरा एक्सटेंशन है क्रोम एक्सटेंशन, उसके थ्रू कैसे करोगे। ये क्रोम एक्सटेंशन आता है गूगल टैग असिस्टेंट या टैग असिस्टेंट लेगेसी। ये देखिए आप इसे अपने क्रोम एक्सटेंशन में इंस्टॉल कर लोगे, ऐड टू क्रोम कर लोगे, आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, मैं जैसे ही इसे अपने इंस्टॉल करूंगा मुझे यहाँ पे पिन करके देखना है कि क्या मेरे पास ये कोड फायर हो रहा है नहीं। मैंने अपनी वेबसाइट के दूसरे पेज पे क्या रिफ्रेश किया, उसके बाद मैं इसे ड्रॉप डाउन पे जाता हूँ। ये देख सकते हो आप मेरे सामने तीन कोड फायर हो रहा है, कौन से, एक गूगल साइट टैग जो कि है मेरा GA4 का टैग, इसके बाद गूगल एनालिटिक्स जो आपको दिख रहा है UA का टैग है, एक और टैग दिख रहा है गूगल टैग मैनेजर का, अलग अलग टैग। टैग को वेरीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एनालिटिक्स में आप जाओगे, एनालिटिक्स में आप जाने के बाद एडमिन सेक्शन पे आप जाओगे, यहाँ पे भी देख सकते हो वहां भी ट्रैक कर रहा है। ट्रैकिंग इन्फो पे आप जाओगे, ट्रैकिंग कोड पे आप जाओगे, यहाँ पे आईडी दे रखी है, आप इस आईडी को वेरीफाई कर सकते हो, क्या दे रहा है 2387605999। यहाँ पे आप जाके देखोगे क्या दिख रहा है आपको 2387605991, मतलब कि यूनिवर्सल एनालिटिक्स सही से फायर हो रहा है। इसके बाद आप अब मैं आपको बताता हूँ कैसे GA4 को आप चेक कर सकते हो। ये देखिए GA4 को चेक करने के लिए आपको GA4 वाली प्रॉपर्टी पे जो भी ऊपर ड्रॉप डाउन दिख रहा है यहाँ से आप GA4 पे स्विच कर सकते हो। GA4 पे आप जैसे ही स्विच करोगे एडमिन सेक्शन यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे एडमिन सेक्शन पे जाने के बाद आपको जाना है डेटा स्ट्रीम्स के अंदर और यहाँ से अपनी मेजरमेंट आईडी जो भी होगी उसको वेरीफाई कर लेना है। ये देखिए मेजरमेंट आईडी क्या है, W91WMGG1FD। यहाँ पे आप आके देखोगे क्या है, ये देख सकते हो सेम टू सेम वही आईडी है। ठीक है, तो इससे पता चल गया आपकी वेबसाइट पे GTM सही से, GTM प्लस यूनिवर्सल एनालिटिक्स सही से इंस्टॉल्ड है। सेकंड तरीका क्या है, आप जाकर यूनिवर्सल एनालिटिक्स में जाके यूनिवर्सल एनालिटिक्स आप जैसे ही खोलोगे वहां पर होम सेक्शन पे आप जाओगे, आपको दिख जाएगा कि आपके वेबसाइट पे, आप अपनी वेबसाइट को विजिट करो, मोबाइल से विजिट करो, डेस्कटॉप से विजिट करो, कहीं से भी करो। ठीक है, आप जैसे ही विजिट करोगे यूनिवर्सल एनालिटिक्स इंस्टेंट आपका डेटा शो करेगा आपके पास। ये देखिए मैं जैसे ही मैंने अभी मोबाइल से मैं विजिट कर ही रहा हूँ, मेरे सामने दो दिखा रहा है, एक मेरा मोबाइल है, एक मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ। ठीक है, एक और चीज ये देखिए मैंने कौन सा पेज ओपन कर रखा है, एडवांस्ड कंप्यूटर अकाउंटिंग, ये वाला पेज ओपन किया हुआ है। यहाँ पर ये भी दिखा रहा है आपका कौन सा पेज ओपन, हर एक लेवल की ट्रैकिंग होती है। ठीक है, इससे आपको ये तक पता चल रहा है। मैं अभी मोबाइल में एक पेज बना हुआ है डिजिटल मार्केटिंग, मैं अभी मोबाइल पे जा रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग वाले पेज पे, अभी आपको इसका रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। ये देखिए मैं अभी स्विच कर रहा हूँ, एक पेज बना हुआ है यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कितने एडवांस लेवल की ट्रैकिंग होती है, ये तो बल्कि बेसिक लेवल की ट्रैकिंग, GA4 में तो कहीं तरह की ट्रैकिंग होती है। मैं यहीं से चले जाता हूँ, एक जाता हूँ मैं टीम मेंबर्स के पेज पे। ठीक है, मैं जैसे ही जाता हूँ मैंने दो अलग अलग दो से तीन पेज पे विजिट किया। ये देखिए मोबाइल पे डिजिटल मार्केटिंग गया, डिजिटल मार्केटिंग का पेज व्यू दिखा दिया, इसमें दिखाया एक पेज व्यू। मैं एक टीम मेंबर्स के पेज पे भी गया हूँ, टीम मेंबर्स का पेज अभी लोड हो रहा है, मे भी अभी थोड़े टाइम में दिखा देगा। ठीक है, तो ये बताना चाह रहा हूँ मैं कितने एडवांस लेवल की ट्रैकिंग ये दिखाता है। ये देखिए टीम मेंबर्स का भी आ चुका है, तो हर तरह के मतलब डेटा ट्रैक हो रहा है, सिंपल सी बात है। ठीक है,
अब एक होता है प्रीव्यू विंडो में, आप यहाँ पे जाकर प्रीव्यू करोगे गूगल टैग मैनेजर पे जाके, एक आपको विंडो खुल जाएगी, विंडो पे अपना यूआरएल एंटर करना है। ये देखिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, अपने वेबसाइट का यूआरएल इस विंडो में एंटर करना है, उसके बाद कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगली टैब में आपका खुल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी वेबसाइट पे टैग सही से फायर हो रहा है या नहीं। ये देखिए मेरे सामने सही से हो चुका है। गूगल का ये टैग मैनेजर का ये है डिबग विंडो, इसे बोलते हैं डिबग विंडो, बोलते हैं इसे डिबग विंडो, मेरे सामने ऊपर हो चुका है, आप लिंक भी देख सकते हो कैसा है। ठीक है, वापस इस टैब पे आओगे, कंटिन्यू आप करोगे, आप यहाँ पे देख सकते हो टैग्स फायर्ड GA4 एंड UA, जो भी मैंने टैग्स का नाम दिया था। ये देख, इसका मतलब है हमने तीनों स्टेप्स देख लिया कि कैसे आप अपने वेबसाइट पे कैसे डिबग कर पाओगे, GTM के थ्रू, टैग असिस्टेंट लेगेसी जो भी हमारा एक्सटेंशन है उसके थ्रू, और गूगल एनालिटिक्स में डेटा ट्रैक हो रहा है उसके थ्रू। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी आपके कोई भी डाउट्स हो गए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम आपके डाउट्स को प्रॉपरली एड्रेस करेंगे, या आप हमें टेक्स्ट कर सकते हो सोशल मीडिया पर। ठीक है, और नेक्स्ट और कोई ट्यूटोरियल में मिलेंगे जिसमें हम और कोई आपके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे।